मऊ जनपद के विकास खंड मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भातकोल चौहान बस्ती के पास मुख्य मार्ग पर 100 मीटर तक काफी जल जमाव लंबे समय से चला आ रहा है, जिसमें दुर्गंध आने के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। मजे की बात यह है कि ग्राम प्रधान के घर से महज 60 मीटर की दूरी पर भातकोल चौहान बस्ती के मुख्य मार्ग पर वर्षों से जल जमाव बना हुआ है। उक्त मुख्य मार्ग पर आसपास के मकानों का गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। इसी मुख्य मार्ग से होकर ग्रामीणों का आना जाना लगा हुआ है और लोग गंदे पानी एवं कीचड़ से डूबी हुई सड़क पर लोगों का मजबूरी में किसी तरह से आवागमन हो रहा है। ग्रामीण धनमेन चौहान, जितेंद्र चौहान, श्याम देव चौहान, साहिब चौहान, बुंदेली देवी, सिताबी देवी, चंपा देवी, सुनीता देवी का कहना है कि इस मार्ग से हमारे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष चप्पल हाथ में लेकर किसी तरह अपने आवश्यक कार्य हेतु जाते हैं। कई बार तो लोग गिर जाते हैं, पुनः अपने घर को लौट जाते हैं और दोबारा घर पर स्नान करके पुनः जाते हैं। 15 वर्ष बीत गए परंतु आज तक उक्त मार्ग को नहीं बनाया गया। बार बार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अमल कुमार को बताया गया परंतु उन्होंने इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। ग्रामवासी संजय चौहान, बैजनाथ चौहान, विजय चौहान, सुभाष चौहान आदि ने बताया कि हमारे गांव में कभी भी सफाई कर्मी नहीं आते हैं। सफाई कर्मी केवल प्रधान के यहाँ आते हैं, उन्हीं के दरवाजे पर कुछ देर बैठ कर वापस चले जाते हैं। गांव में कभी किसी तरह का काम नहीं करते और जब हम लोग सफाई कर्मचारी से काम करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम ग्राम प्रधान जो कहेगा वही करेंगे। शनिवार को काफ़ी संख्या में ग्रामीण, पुरुष, महिलाएं, बच्चे गंदे पानी में खड़े होकर ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। उनका कहना था कि ना ही नाला बना है ना ही सड़क। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की लापरवाही के चलते हम लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण के मद्देनज़र प्रत्येक गांव में, शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है परंतु हमारे गांव में कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं दे रहा है। इस दुर्गंध युक्त पानी व कीचड़ से आ रही बदबूदार हवा हमारे व हमारे बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि अविलंब इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराएंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।